हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम। नेशनल हाईवे है पर रोड पे आता है हाईवे, फिर पर रोड पे चल रहे हैं हम हाईवे पे। ये ब्यावर टू राजसमंद की तरफ जाता है हाईवे, NH 25 आगे लिखा हुआ है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, अच्छे अच्छे टूर करेंगे। अब रेगिस्तान आ रहा है, बिल्कुल पूरा रेगिस्तान, रेत ही रेत दिखाएंगे आपको। और कोई बंदा हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे आपको। तो गाइस हम जाने वाले हैं आगे लगभग बराठिया बाबा जी के, वहाँ पर बराठिया बाबा जी 2 किलोमीटर और हैं, हम पहुँचने आ गए हैं। आधी टीम हमारी को आगे जा रही है और 2-4 बंदे हम पीछे हैं। एकदम मस्त मज़ा आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका भी है, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। दोस्तों पीछे देखो किस प्रकार से पूरे रोड पर लाइन लगी हुई है, पूरा पूरा रोड बनाया जाते हुए। दोस्तों हमारे को बहुत मज़ा आ रहा है और आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पूरा पहाड़ सिर्फ रेत का ही है, रेत का है, सिर्फ रेत का है, रेत ही रेत है। हम जाके दिखाते पास में, लेकिन बहुत गिला हो रहा है, बारिश हो रही है ना, इसीलिए पहुँचने वाले हैं बराठिया बाबा जी, थोड़ा दूर और है। एकदम बारिश भी हो रही है मस्त, यहाँ से देखो सीन कितना मस्त लग रहा है, हरियाली है चारों तरफ। हम वहाँ के ऊपर जाने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई बंदा चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको मस्त मस्त सीन दिखाऊंगा। 7-8 दिन का टूर रहेगा हमारा, बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, कंटिन्यू। दोस्तों ये बराठिया बाबा जी का नीचे का ग्राउंड है, मैं आपको ऊपर का भी दिखाऊंगा। हम यहाँ से भगवान के प्रसाद ले रहे हैं चढ़ाने के लिए, चलने वाले हैं ऊपर बराठिया बाबा जी। ऊपर मेन मंदिर है, हम आपको दिखाएंगे। तो भाई ये ऊपर का सीन है, दागले का ऊपर। तो गाइस ये हमारे हमारे गांव के पंडाल हैं, जय बाबा री। आपको मैं इधर का सीन दिखा दूं, इस रास्ते से आए हम। इस रास्ते से हम जाएंगे अभी रामदेवरा जैसलमेर, रामदेव बाबा के घोड़े हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, देखो मस्त है। छोटे छोटे भी हैं इसके अंदर, बड़े भी हैं। तो गाइस हम यहाँ से रवाना हो गए, एकदम मस्त सीन है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी बहुत कम है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन को 2 दिन ही हुए, 2 दिन बाद देखना बहुत खतरनाक भीड़ होगी यहाँ पर, आने जाने के बिल्कुल भी रास्ते नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे ही बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं बराठिया बाबा जी से, रह गया पीछे, देखो बैकग्राउंड सीन रह गया। हम चल पड़े रामदेवरा की तरफ, हमारे आधे आदमी आगे जा रहे हैं, आधे पीछे हैं, हम बीच में हैं। गाइस हमारी पलटन अभी नाश्ता कर रही है बीच रास्ते में, यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी नमकीन खा रहे हैं। आज हमारी टीम रवाना हो गई है बराठे बाबा जी से, आगे प्रस्थान कर रहे हैं। जय बाबा री।
तो गाइस मैं आपको दिखा दूं इधर की खेती बाड़ी हमारी तरफ से बिल्कुल नेक के बराबर यार है। देख लो ये बाजरी या ज्वार है, वो आगे छोटे छोटे मूंग है। हमारी तरफ देखो तो बहुत बड़ी बड़ी 3 या 4 फीट की ज्वार है, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे। इधर अरंडी की खेती, मस्त अरंडी लगा रखी। आज हमारी टीम यहाँ पे विश्राम कर रही है, पानी का हेडपंप पे है, यहाँ पर पानी वानी पी रहे हैं। दोस्तों पीछे भी और आ रहे ज़्यादा लोग। तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ खेजड़ी का वृक्ष है, बाकी थोड़े बहुत दूसरे हैं। ये अंग्रेजी बम्बूल है, देख लो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। चारों तरफ सिर्फ खेजड़ी है, इसकी कटिंग की हुई है अभी, वापस नई टहनी आ रही है इसकी। चारों तरफ खेजड़ी है, कहीं पे नीम का वृक्ष भी है। देख लो इधर खेजड़ी खेजड़ी चारों तरफ कुछ भी दिख रहा है। हमें भंडारे मोर रुक गए, यहाँ पर खेजड़ी खा रहे हैं, एकदम मस्त स्वादिष्ट है ना। बराबर बराबर खड़ा होकर आगे निकल गया भाजा। ये देखो हमारे यूट्यूबर साहब नारायण बल्ला यहाँ अपने पैरों पे बाम लगाते हुए मालिश कर रहे हैं, और हमारे सभी मालिश कर लिया इन्होंने, और ये यहाँ पर मालिश कर रहे हैं। एक यात्री हैं। मालिश से क्या होता है भाई साहब, जरा बताइए, मालिश से आपके पैरों में आराम से और आसानी से ये अच्छे से हो जाते हैं क्या? अच्छा, इससे थकान कम हो जाती है। चलो ठीक है। ये देखो नंदराम जी नानी खेड़ा से आए हैं, ये भी यात्री है, और यहाँ ये और ये यात्रीगण चाय पी रहे हैं। इधर चाय कैसी बनी है सर? यहाँ ये नानी खेड़ा वाली टीम के जो लीडर है, इन्होंने बताया कि चाय यहाँ बहुत अच्छी है, और बाकी देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी अच्छी भीड़ है। और बाकी बने रहे आप नारायण बल्ला के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस हमारी टीम यहाँ से रवाना हो गई है, पीछे पीछे आ रहे हैं, 2 दिन मंदिर आगे चले गए। दोस्तों राकेश को भूख ज़्यादा लग रही है, तो गाइस चलते चलते चेतारण तहसील के अंदर आ गए हम। यहाँ पे एक भंडारा है, चाय वाय पियेंगे। जय बाबा। तो गाइस हमारे को ये एक बगीचा देखने को मिला है, ये गुंदा है जिसका अचार डाल, ये गुंदा है बगीचा लगा रखा, थोड़ा बड़ा सा है। और इधर मैं दिखा दूँ आपको, ये कपास की फसल है, छोटी छोटी नेम बिल्कुल, हमारे इधर बहुत बड़ी बड़ी। तो गाइस हम 4 लाइन पे चढ़ गए वापस। आज हम अभी नमाज में चल रहे हैं, जोधपुर जाना है अभी भी हमारे को, फिर बाद में जैसलमेर। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे चाय और नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा भंडारा है चाय नाश्ते का, वो हमारी टीम वो बैठी पीछे, आप भी बढ़िया नाश्ता। तो गाइस बारिश आ रही है, इसीलिए हमारी टीम गाड़ी ले रही है, एक दीवार के सारे रुक गए हैं। तो गाइस जैतारण हमसे 9 किलोमीटर दूर है। देखो मेन हाईवे पे एक भंडारा, एक मस्त भक्त लोग डांस कर रहे हैं, और हमारी टीम जा रही है उधर। हमारी टीम के मालिक है दोस्तों, देखो कितना मस्त लगा, कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर भंडारा है, बस ये वो प्रसाद करेंगे। गाड़ी साइड में खड़ा करो सर। हाय गाइस हम यहाँ भंडारे में आए हैं।
हेलो गाइस, रवाना हो गए अभी इसी तरह से भंडारे से बाहर निकल गए, जा रहे हैं अभी दाल बाटी खा के बाटी और खट्टी। हमारी पूरी टीम एक साथ में चल रही है अभी, हमारी टीम चल रही है हाईवे पर, खाना वाना खा लिया। और हेलो, अब यहाँ वो तल में बाटी और खड्डी खा के आए हैं अभी यहाँ भंडारे के पास में, और अभी हम आगे की यात्रा तय कर रहे हैं, जैतारण जाएंगे हम। अभी जैतारण कुछ ही किलोमीटर दूर है हमसे, ब्लॉग के साथ। जय बाबा जी, जय बाबा, जय बाबा। तो गाइस, हमारी टीम अभी पहुँच चुकी है जैतारण के अंदर, और बिलाड़ा अभी आगे है। इधर महाराणा प्रताप का स्टैचू बना हुआ, भाई आपको ये खेत दिख रहे हैं, इसमें मेहंदी लगा रखी है, जो हमारी हाथों में लगाते हैं वो मेहंदी। भाई जी, शाम के बज गए हैं 7:15, यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं अभी रामदेव बाबा जी, और बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। और ये देखो नारायण जी यहाँ बाबा की आरती करते हुए, हमारी सारी टीम यहाँ बाबा की आरती कर रही है। तो गाइस, यहाँ पर बड़ा सा भंडारा है, हम रात यही रुकेंगे, बस पंखे लगे हुए हैं, चारों तरफ इधर देख लो। तो गाइस, अभी हो गया है शाम का समय, और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा। राजमल कर अवतार की जय।